हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, वो बड़ा फेवरेट है एग्जामिनर्स का, बार बार डालते रहते हैं एग्जाम के अंदर, जिसका नाम है ब्रेजनम सर्कल ड्रॉइंग एल्गोरिथम। यानी कि आज भैया इन शॉर्ट अपन सर्कल कैसे बनाते हैं वो सीखने वाला है यूजिंग ब्रेजनम सर्कल ड्रॉइंग एल्गोरिथम। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार न्यूमेरिकल डाल देते हैं, कई बार लॉजिक पूछ लेते हैं, इसका लॉजिक क्या है। तो ये सारे आपके जितने भी सवाल है ना, उनका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मे बी इसके पार्ट्स होंगे, पार्ट वन पार्ट टू होगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो सकता है शायद से ये। तो यहाँ पे इन वीडियोस के जरिए भैया हम लोग आज समझने वाले हैं कि व्हाट इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस ब्रेजनम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम, कैसे हम बना रहे हैं, और साथ ही साथ अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करना, उसका सबसे आसान तरीका आपके सामने मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, तो भैया लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस एल्गोरिथम। अब यहाँ पे बिफोर आई मूव टू दीज स्टेप्स, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और डायग्राम को समझते हैं कि हम लोग एक्चुअल में प्रक्रिया करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं भैया, इस सर्कल के ऊपर आते हैं। ये सर्कल अपने को भाई ड्रॉ करना है, मतलब ये अपन चाहते हैं कि ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है, और जैसा बनेगा इट विल डिपेंड अपॉन द कंप्यूटेशन। ठीक है, तो ये दो अलग चीज है कि अपन क्या चाहते हैं और कैसा बनेगा, ये दोनों अलग चीज है। अब ये अपन ऐसा चाहते हैं, इस सर्कल को अपने को क्या करना होता है, 8 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। पिज्जा होता है ना, पिज्जा सर्कल में उसको 8 लोग हैं, तो 8 लोगों में कैसे शेयर करोगे, तो इक्वल शेयर चाहिए, तो 8 में अपन डिवाइड करते हैं। जैसे ये सर्कल है भाई, ओके, तो ये कितने में डिवाइड हुआ, 2 में, ये 4 में, ये हो गया 6 में, और ये हो गया 8 में। तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली सर्कल को सबसे पहले तो अपने को ऐसे सोचना है कि अपन ने उसको 8 में डिवाइड किया, बराबर है। यानी कि अगर आपका टोटल सर्कल जो है 360 डिग्री का होता है, तो उसको अगर मैं डिवाइड करता हूं बाय 8, तो कितना निकल के आता है, 45 डिग्री। मतलब यहां पे हर एक जो यहां पे एंगल आपको दिख रहा है ना, ये जो एंगल दिख रहा है, ये कितने भैया, 45 डिग्री के हैं। ओके, यहां तक मामला समझ में आ गया। वही चीज मैंने यहां पर दिखाई है कि ये भी एक आपका ऑक्टेट का पार्ट है, दिस इज 1/8, ये भी आपका एक 1/8 है, बराबर है। अब अपन करते क्या है यहां पे, व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज दैट, कि इस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्टेट का, यानी सर्कल का 1/8 पार्ट का सिर्फ अपन जो है कोऑर्डिनेट जो है वो कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ 1/8 पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि एक ऑक्टेट आपका सर्कल का जो है वो अपन कैलकुलेट करते हैं। अब आप पूछोगे कौन सा वाला वो ऑक्टेट होता है, तो वो ऑक्टेट होता है ये, ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ये जो मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये मतलब यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये जो ऑक्टेट है, इसके लिए भैया कौन कौन से पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली है वो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं। दैट्स व्हाट द फंडा इज, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको सवाल पड़ रहा होगा, आप बोलोगे अगर इतना ही काम करना है तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बचा हुआ काम कैसे होगा, करेक्ट। एग्जाम में अगर 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि भैया यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो सर्कल को प्लॉट करने के लिए, और अगर मैं भैया 180 करता हूं, तो वो बोलेगा भैया तेरे को मार्क्स भी 180 देता हूँ, 8 में से 1 दे देता हूँ, खुश है तू, नहीं ना। तो अपने को प्लॉट तो पूरे ही करने, लेकिन एक्चुअल कंप्यूटेशन यूजिंग दिस एल्गोरिथम अपने को सिर्फ एक ही ऑक्टेट का करना है, 7/8 जो बच गया अपना सर्कल, 7/8 ना, 1/8 का कंप्यूटेशन कर लिया, 7/8 यानी कि जो बचा हुआ सर्कल है उसका कंप्यूटेशन एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके लिए आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बड़ा आसानी से वो काम हो जाएगा, 2 मिनट का काम होगा वो, फटाफट आप जो है कोऑर्डिनेट्स निकालोगे। लेकिन यहां कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यहां अगर कोई गलती नहीं होगी तो वो गलती यहां पे भी नहीं होगी, लेकिन अगर यहां कोई गलती होगी तो वो सारी गलती आपके इस सर्कल के पॉइंट्स के, बचे हुए सर्कल के पॉइंट्स में प्रोपेगेट होगी। तो यहां अपने को सावधानी बरतनी है, और ये कैलकुलेट करने के लिए अपने को ये प्रक्रिया जो है उसे फॉलो करना है, ओके, ये प्रक्रिया जो है उसे फॉलो करना है। आप क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं भैया एग्जाम में, जैसे कि यहां पे अपने को कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल, तो यहां पे सेंटर ऑफ सर्कल भैया देख लो 0.0, बराबर है, सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, 0.0। मेजोरिटी ऑफ केसेस में भैया आपको यही क्वेश्चन होगा, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल दिया होता है और रेडियस गिवन होता है कि भैया यहाँ पे ये जो ये रेडियस है ये कितना है, तो आर कितना दिया अपने को, 8 दिया है, तो ये गिवन डेटा है, इसके बेसिस पे अपने को सर्कल ड्रॉ करना है, सिंपल सा मुद्दा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहां पे मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, तो सबसे पहला स्टेप कौन सा है, सबसे पहला स्टेप ये है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, या स्टार्ट पॉइंट कह लो, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स हैं, वो अपने को पहले तैयार करना है, जिसे अपन x0 y0 कहते हैं। तो वो कौन से होंगे, जैसे मैंने बताया था आपको, अपने को सिर्फ इस 1/8 पार्ट ऑफ सर्कल पे काम करना है, इसका कैलकुलेशन करना है, तो अपन स्टार्टिंग कहां से करते हैं, स्टार्टिंग यहां से करते हैं,
अब ये कोऑर्डिनेट्स कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, जहां पे मेरा एक्स जो है वो जीरो होगा, एक्स क्या होगा मेरा जीरो होगा, और वाई क्या होगा, वाई मेरा आर होगा, सही बात है कि नहीं, वाई मेरा रेडियस होगा, दैट इज नथिंग बट एट। तो ये मेरा इनिशियल एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो कोऑर्डिनेट बन गया, दैट इज स्टार्ट पॉइंट बन गया 0.8, ये मेरा स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आप यहां पे भी देख सकते हो, दैट इज एक्स आई वाई आई, मतलब क्या, करंट जहां पे मैं खड़ा हूं, एक्स आई प्लस वन वाई आई प्लस वन, मतलब अगला स्टेप, अगला कोऑर्डिनेट कौन सा होना चाहिए वो, तो स्टार्टिंग वाला कौन सा है 0.8। अब ये 1.8 कैसे आता है वो अपने को देखना है, वो समझना है, ठीक है। अब यहां पे अगले पे आते हैं, ये तो हो गया भैया स्टार्टिंग पॉइंट जो है अपना कंसीडर करके सब कुछ हो गया। अब आते हैं अपन डिसीजन पैरामीटर। अब आपको सवाल पड़ रहा होगा, ये डिसीजन पैरामीटर P जो है ये अपने किस काम का है, ये कौन सा डिसीजन लेने में हमारी मदद करने वाला है। तो अब एक्चुअली यहां पे मैं आपको इस पूरे एल्गोरिदम का जो बेसिक लॉजिक है वो बताने की अभी मैं कोशिश करता हूं आपको। सी व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग इज, यहां पे हम लोग समझ लो ये जो ऑक्टेट है, बराबर है, इतना अपने को कैलकुलेट करना है, इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो कैलकुलेट करना है, जो कि अपनी ये सर्कल बनाने में मदद करेंगे, ठीक है, इतना इतना सर्कल का पार्ट बनाने में मदद करेंगे। अब यहां पे अगर आप एक चीज गौर से देखोगे तो x एक्सिस की जो वैल्यूज हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट ही हो रही है, 1-1 से 1-1 से, मतलब x की वैल्यूज तो बढ़ती जाएंगी, सही बात है कि नहीं, x की वैल्यूज जो है वो बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर मैं y की देखूं, y तो आप देख सकते हो y में दो ही केसेस हैं, कौन सी दो केसेस हैं, एक तो आपका जो y का वैल्यू है कॉन्स्टेंट रहेगा, y का जो वैल्यू है कॉन्स्टेंट रहेगा, या फिर y की वैल्यू आपकी डिक्रीमेंट होगी, ये पॉसिबिलिटी है। मतलब यहां पे आप समझ लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल अब मैं सर्कल बना रहा हूं, तो ये मैंने सर्कल बनाया, ओके, इस तरीके से बनाया, तो अब यहां पे क्या है, यहां पे मेरी कुछ वाई की वैल्यू होगी, करेक्ट। अब मैं अगला स्टेप जब रख रहा हूं, अगला कोऑर्डिनेट जब फाइंड कर रहा हूं उस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो यहां पे आप देख सकते हो यहां पे वाई की वैल्यू सेम है, यानी कि कॉन्स्टेंट है, तो इस केस में अपन जो है वाई कॉन्स्टेंट रखेंगे, वाई को डिक्रीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जब मैं अगला पॉइंट देखता हूं यहां पे, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, यहां पे वाई को डिक्रीमेंट करना पड़ रहा है। तो ये दो केसेस के साथ ही अपने को यहां पे खेलना है, तो वो दो केसेस में से कौन सा केस अपने को चुनना है उसको पता लगाने में डिसीजन पैरामीटर अपनी मदद करता है। सिंपल, एक्स का कुछ लेना देना नहीं है, एक्स तो बढ़ता रहेगा, चाहे वो कांस्टेंट वाली केस हो चाहे वो डिक्रीमेंट वाली केस हो, एक्स तो अपना बढ़ता ही रहेगा, 1-1 से 1-1 से इंक्रीमेंट होता रहेगा। लेकिन सवाल वाई का है, सवाल वाई का है कि अगले पॉइंट के लिए वाई आपका कांस्टेंट रहेगा या फिर डिक्रीमेंट होगा एक से। तो यहां पे आप देख सकते हो एक केस में कांस्टेंट रह रहा है जो मैंने बनाया, ये जो पहली वाली वैल्यू थी वही ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है, अगले वाले में आप देखोगे आपको ये वाला पॉइंट चूज करना पड़ा, बराबर है। तो इसमें क्या किया आपने, वाई को डिक्रीमेंट किया, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब इन दोनों में से भैया कौन सा चुनना है वो डिसाइड करने में डिसीजन पैरामीटर अपनी मदद करता है, वो है पी, और पी को अपने को इनिशियली फाइंड आउट करना होता है। तो पी की एक इनिशियल वैल्यू अपने फाइंड आउट कर ली, जिसके लिए फॉर्मूला अपने को 3-2r का इस्तेमाल करना है, 3-2r। अब ये r क्या है, r रेडियस है भाई, रेडियस डाल लो, 3-2 × 16, दैट इज 16, दैट इज 3-16 13, ये क्या आंकड़ा है, -13, p की वैल्यू क्या आ गई, -13। अब अपने को पता करना है कि ये कौन सी केस में बैठ रहा है, p लेस देन 0 या p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां दो केसेस है, p लेस देन 0 या p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर वो p लेस देन 0 में बैठता है, या अगर वो p लेस देन 0 में बैठता है, तो अपने को ये पर्टिकुलर कंप्यूटेशन परफॉर्म करना है। अगर वो केस 2 में बैठता है, तो अपने को ये कंप्यूटेशन परफॉर्म करना है। और दोनों ही हालात में अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, यही मैं कह रहा था कि नहीं, यही मैं कह रहा था। दोनों ही हालातों में, चाहे कोई भी केस हो, चाहे p की वैल्यू आपकी ग्रेटर हो इक्वल हो लेस देन 0, कोई लेना देना नहीं, x की वैल्यू आपकी एक एक से इंक्रीमेंट होती ही रहेगी, सही बात है, होती ही रहेगी, ओके। ये हो रही है इन दोनों केसेस में, हो रही है, पॉसिबल है। अब यहां पे आप y के ऊपर नजर डालिए, y के ऊपर नजर डालिए। एक केस में y की जो वैल्यू है, मतलब अगली जो वैल्यू है वो करंट वैल्यू हो रही है, मतलब देयर इज नो चेंज, इट इज रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब जो आपकी I प्लस वन है, इट इज बेसिकली यहाँ पे आपका वाई आई है, आप यहाँ पे खड़े हो, और जो वाई आई प्लस वन है ये दोनों के दोनों जो है इक्वल है, ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है इस केस में, कि कोई चेंज नहीं करना, डिक्रीमेंट नहीं करना, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस केस में यहाँ पे आपकी वाई की जो वैल्यू है डिक्रीमेंट की जा रही है, जो कि आपकी नई नेक्स्ट स्टेप ऑफ यू नो बनता है उसका वाई कोऑर्डिनेट, नेक्स्ट स्टेप का वाई कोऑर्डिनेट बनता है, सिंपल सी बात है। और